सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रश्न, आप लोग हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हर मंथ मैं आप लोगों के लिए न्यू गेम्स लाता हूं, और भाई इस महीने काफ़ी सारे तगड़े न्यू गेम्स आए हैं, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं टॉप 10 ब्रांड न्यू गेम्स, जो कि आप लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को जितने भी गेम्स बताऊंगा, सारे गेम्स काफ़ी तगड़े होने वाले हैं, ब्रांड न्यू होंगे, इनमें से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होंगे। ज़्यादातर गेम्स आप लोगों को ओपन वर्ल्ड मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह आप लोगों को टॉप 10 सीरीज आगे भी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों 10 नंबर पे हमारा आता है मिराई बोगो। गेम का साइज होने वाला है 1.2 GB, और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों एक और ब्रांड न्यू पैरवल जैसा गेम आप लोगों के एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ग्राफिक्स काफी कूल है, और भाई गेम कंप्लीटली ओपन वर्ल्ड है। पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोरेशन करो, मिशन को कंप्लीट करो। यहाँ पे आप लोगों को क्राफ्ट एंड बिल्ड वाला भी सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। और सबसे खास चीज की इस गेम की जो ग्राफिक्स है वो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा। आप लोग खुद ही इसका ग्राफिक्स चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी पेट आप लोग यहाँ पे टेम वगैरह भी कर सकते हो, जो कि मुझे यहाँ पे काफी बेस्ट चीज लगी। और यहाँ पे आप लोगों को स्टोरी वगैरह उतना खास देखने के लिए नहीं मिलेगा, अदरवाइज आप लोगों को खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ग्राफिक्स अच्छी है, टेक्सचर्स काफी अच्छे हैं, मिशंस कई सारे हैं, और आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा मैप आप लोगों को गेम में देखने के लिए मिल जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी 9th नंबर काउंटडाउन की तरफ। दोस्तों 9th नंबर पे हमारा आता है इंडस बैटल रॉयल। गेम का साइज होने वाला है 1.5 GB, और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही दिनों से बैटल रॉयल गेम्स के आप लोग तलाश कर रहे थे, वो भी ब्रांड न्यू। और भाई मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है या फिर भाई जितने भी गेमर्स है, वो इंडस बैटल रॉयल का मतलब काफी ज्यादा टाइम से वेट कर रहे थे। तो लो ऑफिशियली ये गेम रिलीज हो चुका है, और साथ ही साथ काफी सारे लोग इस गेम को पसंद भी कर रहे हैं, काफी सारे लोग इसके जो ग्राफिक्स है, इसके जो कॉन्सेप्ट है, उनसे नाखुश भी है। अब वो आप ही लोग डिसाइड करो कि आप लोगों को बैटल रॉयल कैसा लगा। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, अदरवाइज मुझे तो ये गेम काफी अच्छा लगा। हाँ, ये गेम अभी पूरा पूरी नहीं आया है, तो अभी इनमें काफी सारी चीजें आना बाकी। आप लोगों को पता होगा कि जब फ्री फायर आया था, और भाई जब फ्री फायर अभी है, आप लोगों को पता होगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है उसमें। तो भाई अभी उसी टाइप का आप लोगों को ये गेम देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आप लोग थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद ये गेम जब कंप्लीटली आ जाएगा तब ये गेम आप लोग खेलना, काफी ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 8 नंबर काउंटडाउन की तरफ। 208 नंबर पे हमारा आता है ड्राइव एक्स। गेम का साइज होने वाला है 458 MB, और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों ये एक ऐसा ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। आप लोग सोच रहे हो कि ओपन वर्ल्ड, प्रशांत भाई ये क्या आप लोगों ने बोला, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो ये एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम होने के साथ साथ ये क्रैश ड्राइविंग भी रेसिंग गेम होने वाला है, यानी यहाँ पे आप लोगों को जो ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस होगा वो तो काफी बेस्ट होगा, अदरवाइज यहाँ पे आप लोगों का जो क्रैश वगैरह अगर आप लोग करोगे तो उसमें आप लोगों को काफी ज्यादा रियलिस्टिक वाला फील होगा। आप लोगों का कार यहाँ पे टोटली डैमेज हो जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के ड्राइव करना, अदरवाइज आप लोग काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले। और इसकी जो ग्राफिक्स, जो टेक्सचर्स है, जो यहाँ पे है ना, वो सब काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। तो मुझे तो भाई ये लग ही नहीं रहा कि ये कोई भाई मोबाइल गेम है, लेकिन हाँ ये एक मोबाइल गेम है जिसकी ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी 7 नंबर काउंटडाउन की तरफ। दोस्तों 8 नंबर पे हमारा आता है लाइटर्स। गेम का साइज होने वाला है 1.17 GB, और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों ये गेम भी आप लोगों को पैलवल जैसा देखने के लिए मिल जाता है, जहां पे आप लोग यहाँ पे क्राफ्ट एंड बिल्ड करते हो, सर्वाइवल करते हो, यानी सर्वाइव करते हो, और साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा वर्ल्ड आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे कई सारे ब्यूटीफुल पेट्स मिल जाते हैं, कई सारे क्यूट पेट्स मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को स्टोरी देखने के लिए मिलते हैं, मिशंस मिलते हैं, और आप लोग अपने फ्रेंड के साथ भी यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। मुझे इस गेम का जो भाई यहाँ पे ग्राफिक्स, जो वर्ल्ड वगैरह लगा ना, वो नेक्स्ट लेवल लगा सच में। भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि ये गेम को अभी कंटिन्यू करने का। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आप लोगों को ये ब्रांड न्यू पैलवल लाइक गेम कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 6 नंबर काउंटडाउन की तरफ। 206 नंबर पे हमारा आता है टच ग्राइंड एक्स। गेम का साइज होने वाला है 1 GB, और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों ये एक ऐसा गेम होने वाला है, जहां पे आप लोगों को स्टंट्स देखने के लिए मिलते हैं, आप लोगों को फिजिक्स मिलती है, आप लोगों को रेसिंग्स मिलते हैं, यानी आप लोगों को पता होगा एक डाउनहिल नाम का एक गेम आया करता था, आप लोग उसका एंड्रॉयड वर्जन ये कह सकते हो, क्योंकि भाई इसकी ग्राफिक्स चेकआउट करो, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक वैसा ही होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग डाउनहिल रेसिंग देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आप लोगों को एक डाउनहिल
रेसिंग गेम पसंद है तो ये गेम आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज ये गेम एंड्रॉइड आईओएस दोनों के लिए अवेलेबल है, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, हमारी एंड्रॉइड एंड आईओएस यूजर दोनों इस गेम को प्ले कर सकते हो। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ नंबर काउंट ऑन की तरफ। दोस्तों फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है इन्फिनिटी निकी गेम का साइज होने वाला है 8GB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। भाई आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग मेरे पुराने यूजर हो तो आप लोगों को पता होगा कि भाई अभी से ठीक 2-3 महीने पहले मैंने इस गेम के बारे में बताया था। तब ये गेम प्री रजिस्टर पे था और कमिंग सून था, तो तब मैंने बताया था कि जब ये गेम आएगा और ये गेम काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाने वाला है क्योंकि एक एडवेंचर गेम होने वाला है जो कि आपको लोगों को MMORPG का फील देने वाली है। तो भाई लो ये गेम फाइनली आ चुका है हमारे एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए, जहाँ पे आप लोग थ्रिल देखने के लिए मिलते हैं, पूरा बड़ा मैप मिलता है, एक ओपन वर्ल्ड आप लोग सरवाइव कर सकते हो। साथ ही साथ भाई इसका जो मैप लिटरली बोल रहा हूं, उसका जो वर्ल्ड मुझे लगा ना भाई वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। हाँ लेकिन ये गेम आप लोग सभी लोग ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि एक बार गेम का साइज एक बार चेकआउट करो, गेम का साइज लगभग भाई 8GB है, तो सोच सकते हो कि भाई काफी ज्यादा आप लोगों के पास एक अच्छा डिवाइस होना चाहिए तभी इस गेम को आप लोग ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज गेम काफी ज्यादा कूल है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, एक प्यारा सा वर्ल्ड आप लोग को इस गेम में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी फोर्थ नंबर काउंट ऑन की तरफ। दोस्तों फोर्थ नंबर पे हमारा आता है कार एक्स ड्रिफ्ट रेसिंग गेम का साइज देने वाला है 3GB और गेम आप लोग ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों मुझे माफ करना, इस गेम का नाम जो है वो है कार एक्स ड्रिफ्ट रेसिंग 3, ठीक है, और मैंने 3 बोलना मैं भूल गया था। अदरवाइज ये एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम होने वाला है जहां पे आप लोग ड्रिफ्ट वगैरह कर सकते हो, और जैसा कि इसका नाम से ही आप लोगों को ड्रिफ्ट आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। यहां पे एक बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड एरिया देखने के लिए मिल जाता है जहां पे रियलिस्टिक ग्राफिक्स मिलती है, यहां पे आप लोगों को रेसिंग करना रहता है, स्टंट्स करने रहते हैं और भी कई सारी चीजें हैं वो जो कि आप लोग कर सकते हो, और यहां पे आप लोगों का काफी बढ़िया सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होगा। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आप लोगों को ये ड्रिफ्ट एंड रेसिंग गेम कैसा लगा, मुझे तो भाई ये गेम काफी ज्यादा बढ़िया लगा। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी थर्ड नंबर काउंट ऑन की तरफ। दोस्तों थर्ड नंबर पे हमारा आता है ड्रैगन प्राइम एक्सोडिया गेम का साइज होने वाला है 2GB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों ये एक ऐसा गेम होने वाला है जहाँ पे फाइटिंग एक्शन से आप लोगों को भरपूर गेम मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को कई सारे मिशन होंगे, अलग अलग आप लोगों को यहाँ पे जगह पे जाके आप लोग एनिमीज को मारना पड़ेगा। लिटरली गेम काफी ज्यादा मुझे कूल लगा और कई सारे क्यूचर्स भी आप लोगों को इस गेम में देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा परेशान करेंगे, और गेम में एक प्रॉपर स्टोरी है तो आप लोगों को लिटरली गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। हाँ लेकिन मुझे कैमरा एंगल भाई इस तरह का कैमरा एंगल वाले गेम मुझे तो भाई नहीं पसंद है, लेकिन हाँ अगर आप लोगों को पसंद है तो डेफिनेटली इस गेम को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो वेट चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी सेकंड नंबर कौन है उनकी तरफ। दोस्तों सेकेंड नंबर पे हमारा आता है हॉरर 314 सर्वाइवल हॉरर FPS गेम का साइज होने वाला है 314MB और गेम आप लोगों को ऑफलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों आप लोग एक ऐसे घर में हो जहां पे एक अजीब सा बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर है और उस मॉन्स्टर से आप लोगों को यहां पे बच के घर से बाहर निकलना रहता है, लेकिन वो मॉन्स्टर आप लोगों को जाने नहीं देता है, तो आप लोगों को यहां पे बचना पड़ेगा, सर्वाइव करने पड़ेंगे, यहां पे क्राफ्ट एंड मतलब यहां पे कई सारे आप लोगों को पजल्स को सॉल्व करने पड़ेंगे, के बाद आप लोग इस घर से बाहर निकल पाओगे। लेकिन वो मॉन्स्टर जो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा परेशान करेगा, आप लोगों को यहां पे मारेगा भी और काफी ज्यादा आप लोगों को हॉरर एक्सपीरियंस भी होगा। तो अगर आप लोगों को एक ब्रांड न्यू हॉरर गेम खेलना है तो ये गेम आप लोगों के लिए मैं रिकमेंड करता हूं। तो वेट चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नंबर 1 काउंट ऑन की तरफ। दोस्तों नंबर 1 पे हमारा आता है विलेज क्वेस्ट गेम का साइज देने वाला है 170MB और गेम आप लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग माइनक्राफ्ट से बोर हो चुके हो, वैसे तो मुझे पता है कि भाई माइनक्राफ्ट से कोई कभी बोर हो ही नहीं सकता, अगर हुआ भी तो ठीक है, चलो मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लाया हूं। तो भाई देखो ये गेम हुआ माइनक्राफ्ट जैसा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहां पे आप लोगों को गन्स वगैरह भी देखने के लिए मिल जाती है जो कि माइनक्राफ्ट नॉर्मल गेम में देखने के लिए नहीं मिलती है। अदरवाइज काफी बड़ा मैप मिलता है जहां पे अलग अलग क्रिएचर्स को आप लोगों को यहां पे मारना पड़ेगा, यहां पे कई सारे मिशंस रहेंगे, आप लोगों को क्राफ्ट एंड बिल्ड भी देखने के लिए मिल जाता है, और लिटरली ये गेम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आप लोगों को ये गेम कैसा लगा, और जो लोग माइनक्राफ्ट से बोर हो चुके वो लोग को मैं ये गेम डेफिनेटली रिकमेंड करता हूं। तो चलिए दोस्तों ये थे हमारी टॉप 10 ब्रांड न्यू गेम्स की लिस्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।